वेरी गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो पढ़ना स्टार्ट करें ना। हम लोग अभी कुछ डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। अब उन्हीं डिसऑर्डर में कल हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है एल्बिनिज्म। ठीक है, ये दो डिसीज आपकी बची हुई है और फिर उसके बाद आपकी वो डिसीज तो नहीं करेंगे, कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स है जो कि एक पेरेंट से और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो फिलहाल अभी दो डिसीज बची हुई है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो पहली जो है वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले इतना समझ लीजिए, एल्बिनिज्म में भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक रिसेसिव ऑटोसोमल डिसीज है। तो इसे मैं लिख देती हूँ, ये कैसी डिसीज है बेटा, ये डिसीज है आपकी, क्या ये जो डिसीज है ये है रिसेसिव ऑटोसोमल डिसीज। ठीक है, क्या है रिसेसिव ऑटोसोमल ऑटोसोमल डिसीज। ठीक, तो ये रिसेसिव ऑटोसोमल डिसीज है। रिसेसिव भी जानते हैं आप, रिसेसिव का मतलब होता है कि ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी जबकि होमोजाइगस कंडीशन में होगी। ठीक है, ये अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगी, जबकि ये होमोजाइगस कंडीशन में होगी। तो आप लिख सकते हैं इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट एक्सप्रेस इफ इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। तो ये अपने आप को कब एक्सप्रेस कर सकती है, जबकि ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, क्योंकि ये कैसी है, रिसेसिव है और दूसरी आपकी ऑटोसोमल है। अब देखो इसमें होता है क्या, ये एल्बिनिज्म है क्या। एल्बिनिज्म आप बहुत अच्छे से देखे होंगे, मेरे हिसाब से अपने जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अभी क्लास में हैं, ऑनलाइन क्लास में, इनमें से सभी ने एल्बिनिज्म जो बीमारी है कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर किसी ना किसी पर्सन को देखी होगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा पर्सन है तो हमने देखा है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे लोग जो कि जन्म से ही बिल्कुल व्हाइट होते हैं, अंग्रेजों की तरह बिल्कुल व्हाइट होते हैं, उनके ऊपर एक सिंपल भी बिल्कुल भी एक ब्लैक स्पॉट तक नहीं होता। ठीक है, जबकि उनके जो पेरेंट्स हैं, समझिएगा, जो उनके पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल इंडियन होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों का कलर है कुछ इस टाइप के इंडियंस होते हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन जो बच्चा होता है ना वो बिल्कुल आपका व्हाइट होता है, मीन्स उसमें बिल्कुल भी मिलेनियन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनमें जन्म से ही मिलेनियन पिगमेंट एबसेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन ऑफ बॉडी, तो उसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, और जिस पर्सन को जन्म से ही एल्बिनिज बीमारी होती है उसके जो बाल है ना, जैसे हम लोग के ब्राउन होते हैं या ब्लैक होते हैं, उसके बिल्कुल व्हाइट होंगे, मीन्स इनमें भी जो हेयर्स हैं हेयर में भी प्रेजेंट नहीं होगा मिलेनिन पिगमेंट। ठीक है, जो आईब्रोज हैं ये भी बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सी होंगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं उसके हाथ पर जो रोए होते हैं ना, छोटे छोटे से हेयर्स होंगे, वो भी कैसे होंगे, वो भी बिल्कुल और बिल्कुल व्हाइट होंगे। ठीक है, ठीक, देखिए मेरे पास आंसर आने लगे, हाँ मैम देखा है। ठीक, तो आप लोगों ने श्योर देखे होंगे, समझ गए ना। तो एल्बिनिज्म में क्या है, एक ऐसी डिसीज जिसमें कि मिलेनिन पिगमेंट बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, कब से, बाय बर्थ। तो आप समझिए इसमें होता क्या है, मिलेनिन पिगमेंट नॉट सिंथेसाइज, नॉट सिंथेसाइज विद इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में मिलेनिन पिगमेंट बनता ही नहीं है। ठीक है, और जिन पर्सन को ये एल्बिनिज्म में बीमारी होती है ना, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, मीन्स आप लिख सकते हैं पर्सन सफर फ्रॉम या सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज एल्बिनिज कॉल्ड एल्बिनो एल्बिनो। ठीक
ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको कि एल्बिनिज्म होता है वो क्या कहलाते हैं, एल्बिनो कहलाते हैं। और एल्बिनो जो है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है मिलेनिन पिगमेंट। कहाँ चला गया, उनके अंदर मिलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, और मिलेनिन पिगमेंट ही आपकी जो बॉडी है उसके कलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हाँ भाई गुड इवनिंग, कौन आया, आर्यन, ठीक है समझ गए। मिलेनिन पिगमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इस बात का जरूर ध्यान रखना है, आप एल्बिनो उनको ही कहें जिनके पेरेंट्स तो जिनके पेरेंट्स की बॉडी में तो आपका जो मिलेनिन पिगमेंट है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, पेरेंट्स के अंदर तो मिलेनिन है लेकिन उनके अंदर, ठीक है, उन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं ना उनके अंदर मिलेनिन पिगमेंट नहीं बन रहा है, जिसके कारण वो कैसे कुछ सफेद सफेद से लाल लाल से घूम रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये आपकी आपको पता है कि मिलेनिन पिगमेंट भी किस कारण से होता है, हमारी बॉडी में एक जीन प्रेजेंट होती है वो हमारे अंदर मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है, और यही जीन एल्बिनो के अंदर क्या होती है, आपकी फंक्शन लेस होती है, या तो एबसेंट होगी तब भी मिलेनिन नहीं बनेगा, अगर होगी भी तो वो फंक्शन नहीं कर रही होगी तब भी पिगमेंट नहीं बनेगा मिलेनिन, और वो बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मीन्स इसी में। ये जो एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म होता क्यों है, एक तो मेलानिन पिगमेंट और दूसरा है इट कॉज स्पेशली, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, इट कॉज स्पेशली डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम विच कन्वर्ट टायरोसिन टू मिलेनिन responsible for pigmentation of body। ठीक है, बॉडी की पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले जो जीन है, जीन क्या बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, टायरोसिनेज एंजाइम बनाता है। ठीक है, ये टायरोसिनेज हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट टायरोसिन को कन्वर्ट करता है किसमें, मेलानिन में। ठीक है, तो देखो नॉर्मल में क्या होता है, पहले नॉर्मल की सुन लो और फिर एल्बिनो की सुन लो ना। नॉर्मल में क्या है, हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं टायरोसिन। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, टायरोसिन। यही टायरोसिन क्या बनाता है, मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। और ये मिलेनिन पिगमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इधर ही लिख देते हैं, आपके स्किन के कलर के लिए। ठीक है, बॉडी या स्किन लिख दीजिएगा, स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जानते हैं। तो ये जो टायरोसिन है, इस टायरोसिन को मिलेनिन में कन्वर्ट कौन करता है, इस टायरोसिन को मिलेनिन में कन्वर्ट करता है ये टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, कौन, टायरोसिनेज एंजाइम, समझ गए। देखो ये पूरी लाइन लिखी है, उससे यहाँ पर मैंने समझा दिया, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल लोगों में क्या होता है, हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट जो टायरोसिन है उस टायरोसिन को टायरोसिनेज एंजाइम मिलेनिन पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, और मिलेनिन पिगमेंट के कारण हमारी बॉडी में स्पेसिफिक कलर आ जाता है। ठीक है, वो फेयर हो गया कम बना और डार्क हो गया अगर मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा बन गया तो। अब देखिए जिन्हें एल्बिनो में क्या होता है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं एल्बिनो। जो एल्बिनो होते हैं जिनको कि एल्बिनिज्म होता है उनके अंदर क्या, उनमें टायरोसिन तो बेटा उनमें भी होता है, उनमें टायरोसिन प्रेजेंट होता है, लेकिन टायरोसिन को किसमें, मिलेनिन में। टायरोसिन को मिलेनिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम सिंथेसिस नहीं होता, नॉट सिंथेसाइज एंजाइम। और जब एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा तो टायरोसिन मिलेनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब टायरोसिन मिलेनिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी बिना मिलेनिन पिगमेंट के रहेगी, और जब बॉडी बिना मिलेनिन पिगमेंट के रहेगी तो कैसी होगी, बिल्कुल गोरी होगी, मींस आपकी कुछ अंग्रेजों की तरह होगी जिनके की ना तो बालों में मिलेनिन होता है ना
ये स्किन में मेलेनिन होता है और ना ही उनकी आईब्रोज वगैरह में मेलेनिन प्रेजेंट होता है। तो ये है अपनी पूरी कौन सी एल्बिनिज डिसीज। ठीक है, आप सभी ने एल्बिनिज एल्बिनो कई बार देखा होगा, याद करिए आपको याद आ जाएगा, किसी ना किसी को जरूर देखा होगा, तो इसे नोट कर लीजिए, बस ये इतनी सी बीमारी है। हो गया। अब देखना इसमें एक पॉइंट और है जो मैं थोड़ा सा लिख दूं। अच्छा ये नोट कर लो पहले। अरे कौन है ये? ठीक है कनक, डन। अब देखो एक और इसमें पूछा जाता है, डोपा क्या है? टोपा नहीं, डोपा। ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे आपसे, डोपा क्या है? ठीक है, तो डोपा क्या है? डोपा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्या? डोपा। किसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? जब नॉर्मल में, ठीक है, किसी नॉर्मल पर्सन में टायरोसिन से मिलेनिन बनता है, तो डायरेक्टली सिंगल स्टेप में टायरोसिन से मिलेनिन नहीं बनता, पहले टायरोसिन कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। पहले टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में, और फिर डोपा कन्वर्ट होता है मिलेनिन पिगमेंट में। तो डोपा क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, जो कि टायरोसिन को मिलेनिन पिगमेंट में कन्वर्ट होते टाइम एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, तो डोपा के बारे में आप समझे। डोपा का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइहाइड्रोफिनाइल एलानाइन। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ, डाइहाइड्रोफिनाइल एलानाइन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है किसका? आपका डोपा का। डोपा समझ गए ना, टोपा ओपा मत कर लीजिएगा। डाइहाइड्रोफिनाइल एलानाइन क्या है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो बनता है, कब बनता है? टायरोसिन को मिलेनिन में कन्वर्ट होते टाइम पर। ठीक है, जब टायरोसिन में मिलेनिन कन्वर्ट होता है, तो उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में डाइहाइड्रोफिनाइल एलानाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ भाई, इसे भी नोट कर लेना, डोपा को भी। रफ कर दूं मैं इससे। हाँ बेटा, एक बात और ध्यान रखिएगा आप, मैं नाम लेना नहीं चाहती, जिनकी फीस ड्यू है वो दे दें। ठीक है, नाम तो दिखाई दे रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको नाम लेके बोलूं कि बेटा फीस नहीं आई है, बेटा फीस नहीं आई है ना। तो अगर आपसे बोला जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि जिसकी भी अगस्त और जुलाई की, ठीक है, फीस ड्यू है, जिसके अगस्त की भी है, तो बेटा अगस्त की भी दे दीजिए, वो जल्दी से जल्दी उसे मेरे तक पहुंचाने का कष्ट करें। समझ रहे हैं ना इतना? ओके, रफ कर रही हूँ मैं, नहीं तो फिर फालतू में मैं कल से नाम लेना स्टार्ट कर दूं। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, आप सभी जानते हैं जिसकी रह गई है। अब नेक्स्ट है आपका जो डिसऑर्डर है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, चलो भाई। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी क्या है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। बात समझ गए? क्या है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया कहाँ पर होती है, कैसे होती है, होता है क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया में? तो ये भी भाई क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। तो जब होमोजाइगस कंडीशन में होगी, ठीक है, कब होगी? रिसेसिव है यानी कि जब होमोजाइगस कंडीशन में होगी, होमोजाइगस कंडीशन में होगी, तभी पर्सन के अंदर ये सीन होगी, वरना हेट्रोजाइगस कंडीशन में सीन नहीं होगी। ऑटोसोम पर होती है, और ऑटोसोम का मतलब है कि ये कौन से क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होती, तो इसका स्पेशली क्रोमोसोम नंबर याद रख लेना, पूछा जा सकता है। जिसका क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है वो मैं बताती जाती हूँ, अगर जिसका नहीं बता रही हूँ तो दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं होगा उधर एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। ये जो ऑटोसोम है कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर
क्रोमोसोम नंबर 12 पर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 12 पर प्रेजेंट होती है जीन जिसके की डिलीट होने पर या फिर आपके फंक्शन लेस होने पर, ठीक है, नॉन फंक्शनल, ठीक है, डिलीट होने पर या नॉन फंक्शनल होने पर फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज हो जाती है। अब देखिए इस डिसीज में अधिकतर होता क्या है, जो दिमाग है ना, दिमाग खराब हो जाता है, मींस कुछ इंसान पागलपंती करने लगता है, मस्कुलर एंट्रोपी आ जाती है, मसल्स वगैरह के जो है उनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, ठीक है, बोल नहीं पाता है, जो टंग की मसल्स है वो दिमाग का साथ नहीं देती है, लड़खड़ा के बोलना, हकला के बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है, शुरुआत से, क्योंकि ये जन्म से होने वाली है, इसलिए जो बेबी होगा ना वो बोल ही नहीं पाएगा, आप सोचो कि पहले सही बोल रहा बाद में हकलाने लगा, तो ऐसा नहीं है, वो जन्म से ही ऐसा होगा कि वो उसे बोलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव है, होमोजाइगस कंडीशन में शो होगी, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, शो करेगी, और ये क्रोमोसोम नंबर 12 पर जीन होता है स्पेसिफिक, उसके डिलीट हो जाने पर या उसके नॉन फंक्शनल हो जाने पर ये डिसीज क्या होती है, कॉज होती है। अब यहाँ पर ये इसका आप कह सकते हैं कि इस जीन का जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक, तो इसका फंक्शन होता है एक स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक एंजाइम है, कहाँ लिखो, जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर formation of enzyme phenylalanine, ठीक है, जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 12 पर प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम फिनाइल एलानाइन का फॉर्मेशन करना, ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा है आपका, फिनाइल एलानाइन का फॉर्मेशन करना, और ये आपका एक हाइड्रोलेज प्रॉपर्टी का है, हाइड्रोलेज लिख देते हैं, सब पूरा ही लिख देते हैं, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज, ठीक है, ये पूरा आपका एंजाइम का नाम है। तो अब जिस पर्सन के अंदर ये डिलीट हो गई तो उसके अंदर फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, और ये फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है ये आखिर हम सभी में, आप सभी नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल है, ठीक है, हमारे अंदर ये करता क्या है, ठीक, तो ये आपका एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, ये लिख देते हैं यहाँ पर, भूल जाएंगे आप, एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, किसमें रोल प्ले करता है, इन लिवर, इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, कहाँ पर रखता है, स्पेसिफिक फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है स्पेसिफिक रोल प्ले करता है किसके अंदर, लिवर के अंदर, जो आपके अंदर लिवर है उसके अंदर, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक रोल क्या है, कोई कलर दूसरा ले, हाँ, स्पेसिफिक रोल क्या है, ये हमारी बॉडी में, ठीक है, और स्पेशली जो लिवर सेल है, ठीक है, लिवर सेल में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और वो कंपाउंड कौन सा है आपका, फिनाइल एलानाइन, ठीक है, हमारी जो लिवर सेल है इसमें एक आपका स्पेसिफिक एंजाइम है वो कौन सा है, फिनाइल एलानाइन, ठीक है, इस फिनाइल एलानाइन को कौन सा, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक, ये वाला एंजाइम का मैंने ये नाम लिख दिया, ठीक है, नॉर्मल में, हम सभी नॉर्मल है, हमारे अंदर ये कर रहा होगा क्या, लिवर सेल में फिनाइल एलानाइन को फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, अब ये टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन आप इससे पहले वाले में पढ़ चुके कि टायरोसिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेलानिन में, ठीक है, बॉडी के कलरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, और कभी कभी ये जो टायरोसिन है ये बॉडी से बाहर भी एग्जिट हो जाता है डायरेक्टली थ्रू यूरिन, ठीक है, तो ये यूरिन के थ्रू भी बॉडी से बाहर एग्जिट आउट हो सकता है। और एक बात और सुनिएगा, जो फिनाइल एलानाइन है ये टॉक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक इन नेचर होता है, और ये वाला जो है टायरोसिन है ये कैसा है, लेस टॉक्सिक है, लेस
टॉक्सिक है, या फिर आप समझिए टॉक्सिक नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए। तो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारी बॉडी में, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, और उन मेटाबॉलिक प्रोसेस से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। उन टॉक्सिक सब्सटेंस में एक सब्सटेंस है फिनाइल एलानाइन। ये टॉक्सिक है हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक रहेगा तो कुछ आपकी क्या करेगा, टॉक्सिक का मतलब जहरीला है तो हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। तो फिनाइल एलानाइन को फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। टायरोसिन बाद में मिलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, या यूरिन के थ्रू टायरोसिन डायरेक्टली भी बॉडी से बाहर एग्जिट आउट हो सकता है। और टायरोसिन कैसा है, एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर बॉडी में कुछ टाइम रहेगा भी तो बॉडी पर कोई ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगा। बात समझे इतनी, बिल्कुल आराम से समझना, ठीक है। ये नॉर्मल में होता है, किसमें, नॉर्मल में। अब पर्सन जिसकी क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट जो जीन है, ठीक है, वो क्या हो गई, डिलीट हो गई, जो जीन है वो डिलीट हो गई, यानी कि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, लिवर सेल में, भाई लिवर तो अपना काम करेगा, लिवर सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस से फिनाइल एलानाइन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि कैसा है, टॉक्सिक है इन नेचर में, ठीक। और इसे वास्तव में कन्वर्ट होना चाहिए था किसमें, टायरोसिन में, लेकिन जो आपका फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये एबनॉर्मल की बात हो रही है ना, जिसे पीकेयू है, ठीक है, इसे पीकेयू भी कहते हैं। नाम स्पेशली याद रखिएगा कि पीकेयू क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसमें कि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता। और जब फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगी। देखो मैंने काट दिया, कन्वर्ट नहीं होगी, जिसके कारण जो ये फिनाइल एलानाइन है जो कि टॉक्सिक इन नेचर है, ये बॉडी में क्या होती रहेगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी, क्या होती रहेगी, एक्यूमुलेट इन बॉडी, ठीक है, ये बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहेगी। और मसल्स के थ्रू आपके, या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ये टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठा होता रहेगा। अभी पहले ही बता चुके हैं टॉक्सिक है, फिनाइल एलानाइन टॉक्सिक है। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी में, तो मसल्स में, और साथ के साथ आपकी जो सीएनएस है, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालेगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालने के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इस पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा तो पर्सन का जो दिमाग है, ठीक है, कुछ क्या हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा। बात समझ गए, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जिससे पीकेयू होता है उसमें मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है। तो ये आपका क्या इफेक्ट डालता है, कहां लिखें, ठीक है, ये इफेक्ट डालता है एक तो मसल्स पर एडवर्स इफेक्ट, ये लास्ट में लिखेंगे आप पॉइंट में, ऊपर लिखी हुई जगह नहीं है, ये एडवर्स इफेक्ट डालता है किस पर, मसल्स पर एंड सीएनएस पर। अब सीएनएस पर क्या करता है, ये जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। बात समझ गए, तो ये रहा अपना पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया कब होता है, जबकि क्रोमोसोम नंबर 12 पर एक स्पेसिफिक जीन है जो कि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो डिलीट हो जाती है या फिर आपकी नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो ये फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता। अब ये फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करता क्या था, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस से बने फिनाइल एलानाइन जो कि टॉक्सिक नेचर होता है उसे टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है जो कि लेस टॉक्सिक है। कौन, PAH, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अगर ये फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा तो जो फिनाइल एलानाइन है वो आपका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिनाइल एलानाइन टॉक्सिक इन नेचर होने के कारण बॉडी में कैसा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि कन्वर्ट तो नहीं हो रहा, और इकट्ठा होने पर ये सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है मसल्स पर, ठीक है, मसल्स एट्रोफी हो सकती है, मींस मसल्स का सही से फॉर्मेशन नहीं होगा, मसल्स का जो सीएनएस है उसके साथ एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन वगैरह वगैरह भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, ए फॉलिंग, ठीक, ए फॉलिंग ने डिस्कवर किया था, लिख दूं,
वैसे ये तो शायद ना पूछा गया, फिर भी मैं बता देती हूँ किसने, ए फॉलिंग ने, ए फॉलिंग नाम के साइंस डॉक्टर थे, इन्होंने इसे क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था, देखा था, खोजा था इस डिसीज को, किसने, ए फॉलिंग ने, ठीक है। और ईयर अगर आप लिखना चाहें तो इन द ईयर ऑफ 1934, 1934 में, ठीक। बस इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, हो गया कंप्लीट, ये आपकी डिसीज, ठीक है बेटा। ग्रीन मार्कर से नहीं लिखूंगी, मेरे पास दूसरे मार्कर में इंक की कमी पड़ गई ना, इसलिए। हो गया ना, रफ कर दूं? ओके। देखिए, अब जो भी आपका यहाँ से पूछा जाएगा वो अधिकतर मैं बता देती हूँ आपको, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो सिंड्रोम, ठीक है, सभी सिंड्रोम आप बहुत अच्छे से याद रखें, वहां से क्वेश्चन आएगा, 101% आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो आपको क्वेश्चन याद रखना है वो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से, ठीक है, चार ये हो गए। इसके बाद ये एल्बिनिज्म है और पीके हुए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर, जब बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाना होगा ना तब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वरना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि आप सोचो कॉम्पिटिटिव में भी नहीं पूछेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है वहां से मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ कि यहाँ से इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, 10-20 साल में एक आध बार पूछ लिया जाए, ये रेशियो इनसे क्वेश्चन बनने का, ठीक। तो आप सिकल सेल एनीमिया को बहुत अच्छे से करेंगे, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस वो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो आपको करना ही करना है, एक अगर आप करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाता है, उसमें से केसेस पूछे जाते हैं, अगर मदर ऐसी है, कैरियर है, और फादर नॉर्मल है तो उसके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से। चलिए अब आते हैं कुछ आपकी इनहेरिटेड ट्रेट्स, या फिर हाँ इनहेरिटेड ही लिख देते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स, यहां से भी क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, लेकिन भाई कराना तो है ही, हमें आ गया कहीं टफ क्वेश्चन पेपर आ गया फिर क्या करेंगे। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स, सॉरी ट्रेट्स में आपके कुछ तीन हैं, तीन या चार हैं, उसमें से जो पहला है, ठीक, मैं पहले नाम ही बता देती हूँ, पहला है वो है आपका टेस्ट ब्लाइंडनेस, टेस्ट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ज्यादा आपको डीप में मत जाना, जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही है, क्योंकि क्वेश्चन आपको भी पता है यहाँ से नहीं बनने हैं, ठीक है, टेस्ट ब्लाइंडनेस। दूसरा, दूसरा यहाँ से जो आपका पूछा जा सकता है वो है पॉलीडेक्टाइली है, अटैच्ड ईयर लोब है, अटैच्ड ईयर लोब, अभी समझाती हूँ सभी को, ईयर लोब से, ठीक है। और सी है आपका पॉलीडेक्टाइली, पॉली डेक्टाइली, ठीक है। और डी है यहाँ से एक और है, चार थे ना, टेस्ट ब्लाइंडनेस है, अटैच ईयर लोब है, पॉली डेक्टाइली है, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, इनहेरिटेड ट्रेट्स में टेस्ट अटैच ईयर लोब, हाँ टंग रोलिंग, ठीक है, कौन सा है, TONGUE, टंग रोलिंग, ये चार है, तो बस एक एक बार पढ़ना, और ये इंटरेस्टिंग बहुत है, इतना ध्यान रखना, आप सोचो इन्हें पढ़ के बोर हो जाएंगे, भाई साहब इन्हें पढ़ के बोर नहीं हो सकते, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक। तो पहला तो है, आपने अभी तक कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है, ठीक है, सिंपल ब्लाइंडनेस पढ़ा है, लेकिन टेस्ट ब्लाइंडनेस आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, मीन्स आप टेस्ट ब्लाइंडनेस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, टेस्ट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसे कि स्पेसिफिक जो सब्सटेंस है उसका टेस्ट ही महसूस नहीं होगा, और आपको जानकर ये बहुत बहुत ज्यादा एक आप क्या कह सकते हैं, आश्चर्य होगा कि अबाउट 30% लोग टेस्ट ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं वो आपको मैं अभी सब्सटेंस का नाम बता दूंगी। तो टेस्ट ब्लाइंडनेस क्या है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का जो टेस्ट है, वास्तव में उसका, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, मैं टेस्ट ब्लाइंड नहीं हूँ, ठीक है,
आप जब हायर क्लास में जाएंगे ना तो उसका प्रैक्टिकल भी आपको करने को मिलेगा। मैं टेस्ट ब्लाइंड नहीं हूं, और जो सब्सटेंस है वो सोरेन टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा खट्टा होता है, ठीक है। और कुछ लोग को उसे इतना सारा खिला दो उन्हें खट्टा ही नहीं लगता, वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, यानी कि वो उस स्पेसिफिक टेस्ट के लिए ब्लाइंड है। मीन्स उनकी जो टंग है वो उस स्पेसिफिक सब्सटेंस के टेस्ट को महसूस ही नहीं कर रही है, फील ही नहीं कर रही है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है ये टेस्ट आखिर कैसा है। और वास्तव में वो टेस्ट होता कैसा है, सोरेन टेस्ट होता है, मीन्स खट्टा होता है स्वाद, ठीक है। तो एक बात और समझना, ये बेटा कोई डिसीज नहीं है, ये कोई डिसीज नहीं है, चारों की चारों, नहीं तो आप डिसीज में काउंट कर लो, ये कोई डिसीज नहीं है। ये साफ साफ लिखा है इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, ऐसी ट्रेट्स हैं जो कि पेरेंट्स से, सॉरी सही तो बोल रही थी, जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफिस स्प्रिंग में जाती है, ठीक है। पेरेंट्स से कहाँ जाती है, उनके ऑफिस स्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। तो ये कोई भी डिसीज नहीं है, इनसे कुछ हो नहीं जाएगा कि आपको टेस्ट का पता नहीं लग रहा तो आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है, बस उसी का टेस्ट नहीं लगेगा, बाद बाकी आपको आलू टमाटर और जो भी आप छोले भटूरे कुलचे सांभर डोसे है ना इडली विगड़ी सब खाते, सबका टेस्ट आएगा प्रॉपर, बस उस एक केमिकल सब्सटेंस का टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अटैच्ड ईयर लोब, और ये मोस्ट ऑफ कैसी होती है, रिसेसिव होते हैं, चारों के चारों जो ट्रेट है ना ये कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव का मतलब जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी शो होगा, ठीक है, हेटरोजाइगस कंडीशन में ये शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे हैं, कैसे हैं, ऑटोसोमल तो हैं और दूसरे रिसेसिव है। तो इधर ये भी लिख सकते हो, ये ऑटोसोमल है जो सब में कॉमन है, वो समझ लो पहले, ऑटोसोमल है और दूसरे आपके कैसे हैं, रिसेसिव है। ऑटोसोमल के साथ साथ ये रिसेसिव है, और ये कोई डिसीज नहीं है, केवल इनहेरिटेड ट्रेट्स है। अटैच्ड ईयर लोब, ये जो ईयर लोब है, ठीक है, आप अपने देख लीजिएगा शीशे के सामने खड़े होके, तो ये जो ईयर लोब है यहाँ पर कान देखे है ना, तो कुछ लोगों के कान बिल्कुल, जैसे मेरा तो फ्री ईयर लोब है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा फ्री ईयर लोब है, लेकिन कुछ लोगों के कान है ना जो बिल्कुल यूं चिपके होते हैं, यूं चिपके होते हैं, इसे हम बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। तो दो टाइप के ईयर लोब देखने को मिलते हैं, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर कैसे हैं, पेरेंट्स के ईयर लोब फ्री हैं तो उनका जो बेबी होगा उनका ईयर लोब अटैच भी हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर हो सकता है, दोनों पेरेंट्स कैसे हो, हेटरोजाइगस कंडीशन में, और अगर दोनों पेरेंट्स हेटरोजाइगस कंडीशन में तो हो सकता है एक आधा जो बेबी है वो होमोजाइगस हो जाएगा। पता है ना आपको मेंडल्स का सेकेंड रूल है ना, कौन सा था, प्योरिटी ऑफ गेमीट, प्योरिटी ऑफ गेमीट के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स बेशक आपके कैसे होंगे, फ्री ईयर लोब वाले होंगे, लेकिन हो सकता है आपके बच्चे का एक आधा कैसा होगा, अटैच हो। लेकिन मोस्ट ऑफ यही होता है कि जिनके फ्री होते हैं, जिन पेरेंट्स के, उनके बच्चों के भी जो ईयर लोब है वो फ्री ही होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली आप समझते हैं, एक्स्ट्रा फिंगर, हाथों में पैरों में जो एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती है उसे हम पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। लास्ट कौन सा है, टंग रोलिंग, भाई साहब हाँ, टंग रोलिंग क्या है, टंग रोलिंग में बेटा आप लोग अपनी जीभ निकाल के देख लो मैं क्या समझाऊं, टंग रोल हो जाती है, ठीक है। कैसे रोल होती है, देख रही है ना, ये टंग है ना अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ नहीं मोड़ना है भाई, ये टंग है आपकी, ठीक है, इस साइड से और इस साइड से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, ठीक, इस साइड से और इस साइड से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी ऐसे, ठीक है, बीच में ग्रूव सा बन जाएगा, इधर से फोल्ड हो जाएगी इधर से, और ये सभी की फोल्ड नहीं होती, आप करके देखिए किस किस की, मेरी फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, ठीक है, इधर से और इधर से अंदर अंदर की तरफ फोल्ड की कह रही हूं मैं, ऐसे फोल्ड की बात नहीं कर रही, इस तरीके से यहां से अंदर की तरफ नहीं लौट आना है, ऐसे फोल्ड की बात नहीं कर रही हूं, ये इस साइड से, ठीक है, जीभ के दोनों किनारे, टंग के दोनों किनारे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, जिससे बीच में गड्ढा सा बन जाएगा और दोनों तरफ बिल्कुल फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टंग रोलिंग भी क्या है, टंग रोलिंग भी एक जेनेटिक ट्रेट है, शीशे में खड़े होकर पूरे घर के करवा के देख लेना तुम्हारे घर में तुम्हारे जेनेटिक ट्रेट्स किससे मिल रहे हैं। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जो जिनकी टंग रोल हो जाती है ना वो एक डेवलपमेंटल कैरेक्टर वाले होते हैं, ठीक है, जिनकी नहीं होती है तो वो थोड़े से, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है ज्यादा तो नहीं कह सकते हम उसके बारे में कुछ, कि वो थोड़े से आपके उनके कैरेक्टर जो है वो ज्यादा डेवलपमेंटल नहीं है, है ना। तो टंग रोलिंग भी एक जेनेटिक ट्रेट है, आपके पेरेंट्स का जरूर, अगर आपके टंग रोल हो रहा है तो पेरेंट्स में किसी ना किसी का टंग जरूर रोल हो रहा होगा, ठीक है, करके देख लीजिए। अच्छा क्या कर रहे हो भाई, हो रही है, मेरी भी होती है, मेरी नहीं होती, और तेरी, दुर्गेश क्या कर दिया तूने ये, हाँ अभी सब्सटेंस बता दूंगी भावना, मैं सबको सारे को डिटेल में पढ़ाऊंगी। प्रीति मेरी भी होती है, कौशिक
कनक, कुसुमलता, भावना, अमन। अच्छा हो रही है ना, सही तरीके से कर रहे हो। और बाद बाकी जो बैठे हो वो क्या कर रहे हैं, टंगी रोल करके देख लो यार कौन सा मैं पढ़ने के लिए कह रही हूँ तुमसे। टंग रोल करो, चलो एक बंदे की नहीं हुई है दुर्गेश की। और झूठ नहीं बोलना, नहीं तो तुम सोचो हम तो डेवलपमेंटल करेक्टर वाले हैं। एक एक की जब पढ़ाऊंगी ना तो सामने जिम निकलवा के देख लूंगी। चलिए सबकी हो रही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ की हो रही है, एक आधे की नहीं भी हो रही है कोई नहीं, कोशिश मत करना, टूट तोड़ ताड़ दो अपनी जीव। चलिए वेरी गुड, ठीक है, चलो कुछ तो आपने देखा प्रैक्टिकली करके। आप अपने घर में भी सबको पकड़ना और उनकी टंग रोल कराना, मम्मी पापा भाई बहन दीदी भैया, ठीक है। और कल मुझे बता देना घर में कितने लोगों की टंग रोल हुई, क्या कोई ऐसा भी मिला जिसकी टंग रोल नहीं हुई, ठीक है, रोल समझ गए ना। ऐसे रोल करनी है, ठीक है, जीभ नहीं दिखा रही हूँ आपको, नहीं तो पता चला तुम भी मुझे फोटो वोटो भेज दो कुछ जीभ निकालते हुए, है ना। तो इस टाइप से टंग रोलिंग सारे इनहेरिटेड ट्रेड से, मीन्स अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में आने की संभावना प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी, बात समझे इतना। चलो भाई तो इन्हें नोट कर लेना, इनके बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हें भी कल कंप्लीट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा कल ना, कल 10 o'clock, हाँ घर पे मिल जाऊंगी मैं कल, कौन सा बार, वेडनेसडे, हाँ कल 10 o'clock घर पे मिलूंगी, ठीक, ओके। चलिए बेटा कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए, वरना हम कल मिलते हैं इसी टाइम नए टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छुट्टी मत करना बस, ओके। चलो बेटा बाय बाय एंड गुड नाइट एंड जय हिंद, बाय बाय। इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई भागने से पहले।